एडिटर्स चॉइस में आपका स्वागत है, मैं हूं भूपेश कोहली। आरक्षण की मांग को लेकर कभी जाटों का आंदोलन तो कभी पटेलों का, और इस वक्त महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण की मांग को लेकर मराठाओं का आंदोलन सुर्खियों में है पिछले काफी दिनों से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि सरकारें 50% की सीमा रेखा के बाहर जाकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं दे सकती, लेकिन सत्ता हो या सियासत, उसे तो बस अपने वोट बैंक को साधने से मतलब है। तभी तो जिसे जब भी और जहां भी मौका मिलता है इन जातियों की आरक्षण की मांग को मंजूरी दे देता है, लेकिन यह मामला अदालत की दहलीज पर जाते ही दम भी तोड़ देता है। दरअसल सरकार की नीति सबको खुश कर अपनी सियासत चमकाने की होती है, तो वहीं तमाम सियासी दल भी ऐसे मामलों में विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। आखिर उन्हें भी अपने वोट बैंक की चिंता सताने लगती है। वैसे भी देश में अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो 27% और SC/ST को 22.5% आरक्षण पहले से ही मिला हुआ है, यानी कुल मिलाकर 49% आरक्षण पहले से है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता। ऐसे में सियासी दल, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष में, आरक्षण पर सियासत के सिवा कुछ नहीं करते। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान को ही ले लीजिए जिसमें उन्होंने कह दिया कि मोदी सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की पक्षधर है, न कि जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर। यही नहीं, उससे दो कदम आगे जाकर उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश में नौकरियां है ही नहीं और लोग हैं कि आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर खुद केंद्र सरकार की ओर से संसद में दिया गया यह बयान कि देश भर में 24 लाख से ज्यादा नौकरियां मौजूद हैं, वो पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि सरकार की ओर से इस तरह के विरोधाभासी बयानों के पीछे का मकसद क्या है। सवाल यह भी कि विपक्ष ऐसे मामलों में देश हित और समाज हित की बजाय अपने वोट बैंक को ज्यादा अहमियत देने के लिए मजबूर क्यों है। एडिटर्स चॉइस में आज इसी पर होगी चर्चा, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे लखनऊ से कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी नेता महेश वर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, स्टूडियो में ही दलित मामलों की जानकार डॉक्टर कौशल पंवार हमारे साथ मौजूद रहेंगी, और स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक हसन रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर कौशल पवार, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, यहां पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग पर मराठा आंदोलन देखा हमने, पटेलों का आंदोलन देखा, राजस्थान की बात देखी जाए तो गुर्जरों का आंदोलन देखा। इस तरीके के आंदोलन होते रहते हैं, सरकार पहले इन आंदोलनों की तरफ ध्यान नहीं देती, जब हिंसक घटनाओं पर उतर आते हैं ये आंदोलन, संभालने के बाहर की बात हो जाती है सरकार के, उसके बाद इनको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि ठीक है सरकार तुम्हारी मांगे मान रही है, और वो जुमला जो होता है वो कोर्ट में जाकर दम तोड़ देता है। किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? देखिए, आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग रखता है, सामाजिक न्याय का एक सवाल है, और आरक्षण बराबरी पर आधारित एक संवैधानिक एक अधिकार है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि जो रिजर्वेशन की जो एक तरह से जहां से शुरुआत हुई थी वो अगर उसमें समर्थ है, आप बिना एनालाइज किए उन इस तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो आरक्षण की जो मूल जो भावना थी सामाजिक न्याय की, बराबर में लाने की, उनको मतलब उनका जो सदियों से जो एक सामाजिक पिछड़ापन रहा उसके आधार पर वो बराबर में आ पाए, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पीछे छूट जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि आरक्षण कोई ऐसी मतलब मांग नहीं है जो जिसपे हैरानी की जा सके, बल्कि जब जब आरक्षण जिन जातियों का उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता वो जातियां इसके ऊपर मांग करती है सामाजिक न्याय के आधार पर। लेकिन विडंबना हमारी ये है कि जैसे आप ओबीसी के आरक्षण को ले लीजिए, हरियाणा में बहुत बड़ा जाट आंदोलन हमारे सामने हुआ था पिछले दिनों, जिसमें बहुत सारे लोग हताहत भी हुए, बहुत सारा उसका नुकसान भी हुआ जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो जो जातियां जो जिनको किसी भी तरह का सामाजिक न्याय मिला ही नहीं अभी तक, वो उनको कुछ नहीं मिल पाता, और क्योंकि वहीं से शुरुआत भी हुई थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब आरक्षण का प्रावधान संविधान के तहत दिया, उनका जो मूल भावना थी वो यही थी कि सामाजिक न्याय की बात हो, बराबरी की बात हो, बराबरी की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो। डॉक्टर कौशल, मैं आऊंगा आपके पास, हसन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति, धर्म, क्षेत्र इसके आधार पर नहीं होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है, इत्तेफाक रखते हैं आप उनकी बातों से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक आधार का जो मुद्दा जाला डाला है, इसके पीछे पिछले 3-4 साल का एक राजनीतिक परिवेश है।
आप ये बात समझिए कि किस पे होना चाहिए, ये बात बाद में आनी चाहिए, पहले हमको अपने संविधान का प्रावधान समझना चाहिए। हमारे संविधान के रचयिता ने कभी इस बात की बात ही नहीं की कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे कोई दिया जाए। सबसे पहले तो हम देखें कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे अगर कोई तबका हमारे समाज का, भारत का पीछे रह गया है, तो सबसे पहले तो हम उसको पूरा करें। और जब जब आरक्षण की बात आती है तो हम एक बात क्यों भूल जाते हैं कि कितना परसेंट आबादी हमारी इस सरकारी नौकरी के आरक्षण से क्या बोलते हैं कि फायदा उठाती है। आप क्यों नहीं इस बात को लोग समझ पा रहे हैं कि एक राजनीतिक परिवेश ये है कि चार सालों से किसी को भी, चाहे किसी धर्म और जाति के हों, पर्टिकुलरली एससी एसटी और ओबीसी, किसी को नौकरी मिली नहीं है। जब मिली नहीं है तो वो क्या कर सकता है? वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के तो सर फोड़ नहीं सकता है, वो सरकार में ही चिल्लाएगा। तो सरकार सबसे पहले तो ये काम करे, अपने विरोधाभास को तोड़े, उसने क्या वादा किया और आज की सामाजिक स्थिति क्या है। सबसे पहले तो जो बैकलॉग वैकेंसी का हंगामे में बोलती कि 24 लाख वैकेंसी बची हुई है, आप क्यों बैठे हुए हैं? आप कौन रोक रहा है आपको? आपने तो बोला था कि हर साल 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। सबसे पहले तो आप समाज के आधार पर उन लोगों को ऊपर कीजिए। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक नया प्रावधान ला सकते हैं कि आर्थिक आधार पे भी जो लोग पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन ये हमेशा तूतू मेमे और बंदर बांट का जो मामला आप चला के रखी हुई है ये सरकार खास तौर पे, कि हम आर्थिक में कभी उलझा, जो कभी स्वर्णा को जाति को पिछड़ी जाति के साथ, कभी पिछड़ी जाति को स्वर्णा के साथ, इसको घाटा तो अपोजिशन को ही आप दे रहे हैं ना। आप सबसे पहले तो संविधान के प्रावधान को इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर कौशल करना चाहते हैं, डॉक्टर कौशल, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति धर्म क्षेत्र? मेरा ये मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुनियाद आर्थिक आधार पर थी ही नहीं। आप आर्थिक आधार पर अगर समाज को बराबर में लाना चाहते हैं तो उसकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप लागू घोषणाएं करते रहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशन आप आर्थिक आधार पे क्यों? आपने इससे पहले क्या आप जो लोग मजबूत हुए हैं या किसी तरह की कोई जातीय जनगणना आपने की है अभी तक? कितना आर्थिक सुधार हुआ है? और आप देखिए कि रिजर्वेशन के मिलने के बाद भी जो सामाजिक गैर बराबरी जो उनके साथ होती है, जो भेदभाव होती है, जो छुआछात होता है, वो आर्थिक आधार पर नहीं होता। आप देखिए क्यों भारत के राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति बनता है, तो उसको दलित राष्ट्रपति कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक रूप से आप भले ही कितने भी संपन्न हो, लेकिन जो सामाजिक जो दायरे बने हुए हैं हमारे, जो सामाजिक स्तरीकरण जो बना हुआ है, वो आपको हमेशा गैर बराबरी की नजर से देखता है। और आर्थिक आधार कोई मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अगर आर्थिक आधार आरक्षण दिया होता तो मुझे लगता है उन्होंने ये बात जरूर कही होती। वो भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, खुद अमृत सेन भी उसको मानता है। आर्थिक आधार कोई तुक नहीं बनता, ये बेसिकली रिजर्वेशन को एक तरह से उलझाने के लिए एक तरह से ये तरीका है। अगर आपको आर्थिक इतने ही आर्थिक समाज को आर्थिक आधार पर बराबरी ही देनी है तो उसके लिए पॉलिसीज हैं, आप पॉलिसी बनाइए, नई से नई पॉलिसीज हैं। रिजर्वेशन तो आपने अभी तक पूरा ही नहीं किया। चलिए आपने रिजर्वेशन पूरा कर दिया। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति क्षेत्र धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं केंद्र के। वही मुख्यमंत्री देवेंद्र मेरा सवाल सुनिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक ही सरकार में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों में विरोधाभास। देखिए अभी अगर उस पर हम लोग अभी ना जाएं, चूंकि इन लोग तो नर्वस हो चुके हैं बहुत ज्यादा, इसलिए अपने पार्टी ही में ये इनके में विरोधाभास आ रहा है। चूंकि ग्राउंड रियलिटी जब ये देख रहे हैं तो नितिन गडकरी कुछ बोल देते हैं नर्वस होकर के, कई मरतबा फडणवीस साहब कुछ बोल देते हैं। अभी अगर हम लोग टेक्स्ट पे बात करें कि रिजर्वेशन का बेस क्या होना चाहिए, तो आप एक क्यों नहीं सरकार ये डेटा निकालती है कि इंडिया में जितने भी प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है उसमें किस जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं? आप देखिए चाहे जूता बनाने का काम से लेकर के जितने भी जिसको सो कॉल्ड मेनियल वर्क बोला जाता है, जिसको सबसे नीचे तौर पे देखा जाता है, आप देखिए कि कौन जाति के लोग उसमें काम करते हैं, वही मैटर खत्म हो जाएगा ना। कभी भी ये सरकार ये डेटा क्यों नहीं लाके देती, चाहे कोई सरकार हो, मुद्दा वहां उठता है ना। हम लोग बैठे हुए बात करते हैं कि मेरिट जिपर्डाइज हो रहा है, इसी मेरिट के कंसिडरेशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 335 के तहत इफिशियंसी मेंटेन करना, पब्लिक इफिशियंसी के तहत जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 15A में जब ये डाला था मामला, और 49 पॉइंट समथिंग डाल करके एक सीलिंग दे दी कि 50% से ऊपर और क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों को नहीं डाला जाएगा, ये मैटर वहीं बंद हो जाना चाहिए। जी 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 जी। हम लोग करते क्या है कि खामुखा
पहले हम माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम लोग परेशान हैं कि स्वर्णा जाति के लोग कम से कम हमारे पास बचे रहे। नहीं, ये माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं या खुद ही कंफ्यूज हैं? सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, विभाग राय रखते हैं। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन नितिन गडकरी कह रहे हैं कि नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति क्षेत्र धर्म ये कुछ बीच में नहीं आना चाहिए। कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। भूपेश भाई, भारतीय जनता पार्टी का ही नाम भारतीय कंफ्यूजन पार्टी है, जुमला पार्टी है। ये लोग कोई काम नहीं करने, ये इनको कोई काम करना नहीं आता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग काम नहीं करना चाह, आपकी आवाज गूंज रही है भाई, ये थोड़ा ठीक कराइए। अब मैं थोड़ा सा वो हटा रहा हूं उसको। जी सुरेंद्र जी बात करिए, बात रखिए अब अपनी। अब ये मसले दूसरे हैं यहां पर। मराठा आरक्षण को आप ले लीजिए, मराठा आरक्षण में आप देख, मराठा आरक्षण को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मराठा आरक्षण में कांग्रेस मराठा आरक्षण लाई, मराठा आरक्षण के समर्थन में है और कोई भी मराठा आरक्षण के विरोध में नहीं है। लेकिन आज जब 72,000 पद आ रहे हैं, उस वक्त आप कह रहे हैं कि साहब 16% हम हटा करके और बाकी पदों पर हम भर्तियां चालू करेंगे। आप एक शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक आंदोलन बचाने पर तुले हुए हैं। 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पंडरपुर जब आप जाने की बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब हम मराठे वहां सांप न छोड़ दें, अपने लोगों पर, अपने मराठवाड़ा के अपने लोगों पर आपको भरोसा नहीं है। आप किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं या चंद्रकांत पाटिल किस तरीके के नेता हैं? और दूसरी बात यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जिस आरक्षण को लेकर के सब एकमत है उसको लेकर के आपने एक आयोग बना दिया। आप कह रहे हैं कि साहब नवंबर में रिपोर्ट देगा, क्यों देगा भाई नवंबर में रिपोर्ट? तो ये सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी खुद के रचे हुए बुने हुए जाल में फंसी हुई है। उसे काम करना नहीं आता है, उसको सरकार चलानी नहीं आती है, प्रतिपक्ष के रूप में उसे ढोल बजाना बहुत आता है। चलिए आऊंगा आपके पास, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेंद्र जी आऊंगा आपके पास। डॉक्टर कौशल कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बेसिकली उलझाने का एक तरीका है। सरकार की अपनी सोची समझी साजिश तो मैं नहीं शब्द प्रयोग कर सकती, लेकिन सोची समझी एक तरह से इनकी बातचीत है ये, इस तरीके से कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी कुछ कहे और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय नितिन गडकरी जी को कम से कम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करने से पहले जो कंपनी एक्ट है हमारे यहाँ 1956 का, उसके ऊपर बात करिए आप। सोसाइटी एक्ट में, लैंड एक्ट, आप अगर आर्थिक आधार पर बात करना चाहते हैं तो कम से कम इनका भी सर्वे करवा लीजिए ना। आपने कभी सोसाइटी एक्ट के ऊपर बात नहीं की, कभी आपने कंपनी एक्ट पर बात नहीं की। और भारतीय समाज का ये हमारा, हमारी जो एक तरह की संस्कृति बन चुकी है, वहां पर सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर भेदभाव होता है, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होता। जब बहन मायावती जो मुख्यमंत्री है, अच्छी खासी आर्थिक संपन्न है, उनको ऐसी उपाधियां दी जाती है, जातिगत चमार कहा जाता है, या फिर मैं शब्द उसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती हूँ, वैश्य तक कहा जाता है, ये किसके आधार पे? मुझे नहीं लगता ये आर्थिक आधार पे है। दलित राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रपति क्यों नहीं कहा जाता, आप उसको दलित क्यों संबोधित करते हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्थिक आधार पर हमारे यहाँ गैर बराबरी या जातिगत गैर बराबरी वाला व्यवहार कम होता है, जातिगत व्यवहार हमारे यहाँ सिर्फ जाति के आधार पर होता है। यही वजह थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जातिगत आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया। अगर आपको लगता है तो जातिवार जनगणना करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये लोग आर्थिक आधार पर बराबर आ चुके हैं तो आप जनगणना करवाइए ना, आपके पास तो सारे संसाधन हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी एक्ट हमारे बने हुए हैं आर्थिक वाले, तो आप उनके ऊपर एक बार विश्लेषण तो ले आइए, तभी नितिन गडकरी जैसे या जो भी बयान इस तरीके से दिए जाते हैं, मुझे लगता है सरकार की एक अच्छी खासी समझ है जिसके आधार पर वो उलझाकर रखना चाहते हैं। चलिए आता हूं, एक तरफ रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रिजवी, दलित मुद्दे पर घिरी केंद्र सरकार के लिए ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। 250 लोकसभा सीट्स में एससी एसटी वोटर्स का सीधा असर है, ये चिंता का विषय पक्ष और विपक्ष के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही, वो मैं कहने ही वाला था कि सबसे ज्यादा अभी की सरकार इस बात से परेशान हो गई कि जब ये सरकार आई थी उस वक्त आपको याद होगा कि इन लोगों ने शुरू किया था जिसपे कि बिहार का, बिहार असेंबली का इलेक्शन लड़ा गया, इन लोगों ने ऐसी बात का इशारा किया था जिससे पता चला था कि अग्रिम जाति को आरक्षण मिलेगा और जो लोग पिछड़ी जाति के हैं उनका डायल्यूशन हो सकता है, कमीशन कंस्टिट्यूट कर रहे थे।
एक्चुअली इन लोग बड़ा नर्वस रहे। इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हंगामा कर दिया कि हम जॉब क्रिएट करेंगे। जब भी जॉब क्रिएट करने में नाकामयाब हुए, और हम सब लोग जानते हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर में कितनी जॉब है, 45 लाख जॉब है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कीजिए तो कितने परसेंट लोग उसमें आ सकते हैं। इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग को मोबिलाइज करने के लिए, खास तौर पे हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं जो पब्लिक सर्विस के लिए सबसे ज्यादा मरते हैं कि उनको सरकार में नौकरी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई अदर कॉम्पिटेंसी नहीं है कि आज के लिबरल वर्ल्ड में न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर में वो जाकर के फिट करें। तो इन लोगों ने एक ऐसा शुरगुला छोड़ दिया, उस पर बिहार के असेंबली का इलेक्शन में बहुत मेजर इफेक्ट पड़ा। अब ये चाहते हैं क्या कि ऐसा है कि जब कांग्रेस ने या विपक्ष ने उसको उठाया और उठा करके चाहा कि जो रिलीजन बेसिस पे पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन रहा था, अब विपक्ष ने बहुत बहुत ही चालाकी से गुजरात तक में आरक्षण के मुद्दे को डाल दिया, जो आज तक गुजरात की पॉलिटिक्स में अगर आप ध्यान दीजिए तो कास्ट बेसिस पे इलेक्शन नहीं हुआ, इतना मेजर कास्ट डिविजन पे इलेक्शन नहीं हुआ है। अब इनको नर्वसनेस ये हो गया कि हम तो मोबिलाइज कर रहे थे रिलीजन के नाम पे, विपक्ष ने लिया लेकर के इन्हीं के डंडे से इनपे वार कर दिया। अब ये नर्वस हो गए तो नितिन गडकरी जैसे काबिल आदमी के, जो कहा जाए कि काफी अच्छी समझ रखते हैं, उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जो बहुत ही प्रैक्टिकल और फैक्ट बेस है। उन्होंने बहुत फैक्ट बेस बात बोल दी, उनके दिल से ये बात निकली, हकीकत तो उनके दिल से निकली। अब नर्वस हो गई भारतीय जनता पार्टी कि उनके बोलने से क्या हुआ कि ऑलरेडी ऑपोजिशन स्ट्रांग फर्दर हो गया कि भाई ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ तो नौकरी ही नहीं है, हमारे यहाँ आप ही के पार्टी के लोग बोल रहे हैं। एक्चुअली एक बात जो अभी मैडम बोल रही थी, हम उसमें एक बात ऐड करना चाहते हैं कि जाति के आधार पे आरक्षण को आप ये ना देखिए कि यह जातिवाद को बढ़ावा देता है। एक्चुअल अगर आप फिलॉसफी पढ़िएगा अंबेडकर की, जब ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था, उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि जब लेबलिंग जो है किसी कास्ट के साथ वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज भी ये जो बात इन्होंने मैडम ने बोला वो बिल्कुल सही बोला कि दलित राष्ट्रपति है, इन्होंने सही बोला कि ये बात बोला जाता है कि ये दलित राष्ट्रपति। चलिए रिजर्वेशन का मुद्दा अगले चुनावों में कितना बड़ा होगा इस पर भी आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, SC ST संशोधन बिल पर लोकसभा में बहस होती है, राज्यसभा में ये पास हो जाता है, संशोधित बिल के साथ ही SC ST एक्ट अपने पुराने मूल स्वरूप में आ जाता है। सरकार इसे अपने लिए राहत की बात बता रही है, कुछ जानकारों का कहना है कि सरकार राहत महसूस कर रही है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए पवार साहब, भूपेश भाई सबसे बड़ी बात है कि सरकार को राहत मिले या ना मिले, हम लोग इसलिए नहीं बैठे, जनता को राहत मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा। जी बिल्कुल। आज की डेट में SC ST एक्ट को लेकर के जिस तरीके की एक पूरी मन में एक भ्रम की स्थिति हो गई थी, उस स्थिति को किसी भी हद तक दूर किया जाना बहुत आवश्यक था। कांग्रेस सहित सारे विपक्ष की और पूरी जनता की यह मांग थी, उस मांग के आगे ये लोग झुके हैं। मैं एक बात बड़ी क्लियर कह दूं इसको लेकर के कि यहां पर SC ST एक्ट हो और चाहे हमारी डॉक्टर साहब ने अभी जो बात बोली थी कि आरक्षण का आधार आर्थिक कभी था ही नहीं, आरक्षण का आधार सामाजिक है। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें सामाजिक रूप से आगे लाने की बात करनी है, आर्थिक आधार पर आपको बात करनी है तो अलग से बात कीजिए, संसद में बात कीजिए, यह जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक आधार पर आपको करना है, प्राइवेट जॉब में क्यों नहीं कर देते आप, कौन रोक रहा है आपको? आप तो आरक्षण को खत्म करने पर तुले हुए हैं। जितनी स्वायत्त शासी संस्थाएं भी, IIT बॉम्बे की बात आप ले लीजिए, उसमें आपने आरक्षण खत्म कर दिया। लेटरल एंट्रीज की बात ले लीजिए, लेटरल एंट्रीज आप सिर्फ आरक्षण को खत्म करने के लिए ही तो ला रहे हैं। जब पूरे देश को इस समय एक पूरी तरीके से जिसको कहा जाए कि आरक्षण को लेकर के बड़े स्पष्ट दस्तावेज की आवश्यकता है, तो मराठवाड़ा सहित पूरे देश में आप कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक तरफ नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं और दूसरी तरफ संसद में कुछ और कहा जा रहा है। तो यहां पर आप सरकार को हम बिल्कुल भी आराम देने की मुद्रा में नहीं है। जनता को आराम मिलना चाहिए, जिन लोगों को आरक्षण मिलना उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आज ही एक फैक्ट और आया है कि पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में 24 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई है, 24 लाख। उस 24 लाख नौकरियों को भरने के लिए पिछले एक साल, डेढ़ साल, दो साल में कुछ तो मोदी सरकार के द्वारा किया गया होता। बाकी चीजें छोड़िए आप, वो 24 लाख नौकरियां वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अगर मिल जाती तो 24 लाख जिसमें से आधे हमारे आरक्षण के लोग और आधे वैसे जिस तरीके से भी होते, लेकिन 24 लाख लोगों को नौकरी मिलती ना,
तो इस बात को लेकर के कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। चलिए आऊंगा इसी शेर के साथ आऊंगा आपके पास। हसन रिजवी हमारे साथ मौजूद है। रिजवी साहब, वोटर के लिहाज से देश में करीब 30% से ज्यादा SC ST मतदाता है। SC ST एक्ट अपने पुराने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा, सरकार इसको भी अपनी कामयाबी बता रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, सरकार तो फेस सेविंग काम कर रही है। आप याद कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात पे बहस हो रही थी, सरकार कहां सोई हुई थी? जब सरकार को ये नर्वसनेस हुआ और जब विपक्ष ने ये मुद्दा उठाना शुरू किया, तो नर्वस होकर के ये जल्दी से पहुंच गए कि भाई हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम इसको डायल्यूट नहीं होने देना चाहते हैं। अगर यहाँ पे विपक्ष हंगामा नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई नहीं होती, तो ये सरकार बहुत तेजी से इस कदम की तरफ बढ़ रही थी कि हम आहिस्ते 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 आरक्षण को खत्म कर देंगे। पहले हम कन्फ्यूजन करेंगे कि भाई ऐसा है कि स्वर्णिम जाति को भी चाहिए जो आर्थिक तौर पर पिछले हैं। और आप देखिए, अभी मराठा के रिजर्वेशन की बात क्यों हुई है, इसका परिवेश बड़ा सीधा सा है। शिवसेना के साथ इनका अलायंस हो नहीं पा रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हम लोगों को पता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे के साथ इनका मामला बनेगा नहीं। अब मराठा वोट जो एक सेक्टोरल एक बहुत स्ट्रांग बेस है, अब उसके तरफ ये इनकी लड़ाई चल रही है। अब इन्होंने क्या कि नर्वस होकर के सीधे बोल दिया कि भाई ऐसा है कि हम आपको मराठा को रिजर्वेशन देंगे। अरे भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हम तो सीधे बोलते हैं कि आप सब रिजर्वेशन की बात हटाइए फॉर द टाइम बिंग। आप सीधे प्राइवेट सेक्टर में, जैसा कि ये मैडम बोल रही हैं और राजपूत साहब बोल रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में ले आइए ना रिजर्वेशन, आप लाइए रिजर्वेशन। सरकार कंफ्यूज कर रही है, सरकार कंफ्यूज है, या इसके पीछे कोई और एजेंडा दिखता है आपको? आवाज नहीं आ रही, आप आ रही है आवाज? डॉक्टर कौशल, मेरा सवाल आपसे। जी, आपके सवाल से पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो विपक्ष अपना एक क्रेडिट लेना चाहता है कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट में जो बदलाव हुआ वो विपक्ष के दबाव से बना, मैं आपको ये बता दूं कि हमें याद रखना चाहिए कि 2 अप्रैल को जो जन आंदोलन जो सड़कों पर उतरा था वो दलित बहुजन का था। उसमें किसी भी पार्टी का, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, किसी भी पार्टी का कोई योगदान नहीं था, वो स्वतः स्फूर्त था। और उसी का दबाव था ये कि किसी तरीके से सरकार को ये महसूस हुआ कि अगर दलित आंदोलन, आज का जो दलित है जो जागरूक हो चुका है सड़कों पर, हम सब जानते हैं कि 2 अप्रैल का कितना रिजल्ट हमारे सामने आया है, एकजुटता किस तरीके से दलितों की दिखाई दी थी सरकार को, पक्ष को भी और विपक्ष को भी। ये मुझे लगता है कि विपक्ष का दबाव न होकर, विपक्ष का भी रहा है बाद में, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था वो SC ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर ही था। और उसमें आम जन, प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग जो सीधा दलित मुद्दों से जुड़ा हुआ है, हम उसको दलित मुद्दों से, दलित समाज से जुड़ा हुआ न देखकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के वो उसमें बात करने में लगे रहते हैं। जबकि मैं साफ साफ तौर पे ये कहना चाह रही हूँ कि 2 अप्रैल को जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट को लेकर लोग सड़कों पर उतरे और जिसका खमियाजा भी दलितों ने, बहुजनों ने झेला, उसमें विपक्ष ने अभी तक कोई ऐसी मांग नहीं की जो जेलों में बंद है। चलिए, विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं हुई दलितों के लिहाज से। आऊंगा डॉक्टर कौशल आपके पास। सुरेंद्र जी, इस मुद्दे पर आपका रिएक्शन? देखिए, मैं डॉक्टर पवार की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, बगैर किसी इखबट के। सच्चाई यह है कि दलितों का आंदोलन, लेकिन दलित भी अपने आप को प्रतिपक्ष में ही रख रहा था, क्योंकि सत्ता पक्ष में अगर रखना होता तो इस तरीके की बदतमीजियां जो है सरकार करती ही नहीं। नंबर एक। नंबर दो, मैं नंबर दो को 13 पॉइंट रोस्टर लाके बंद कर दिया रिजर्वेशन को, और जिसमें SLP डाल के सरकार एकदम आराम से बैठी है। चलिए आता हूँ डॉक्टर कौशल आपके पास, जी सुरेंद्र जी, मैं पूरी तरीके से डॉक्टर कौशल से सहमत हूं, और इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। सच्चाई यह है कि दलित भी अपने आप को प्रतिपक्ष में ही खड़ा पा रहा था। राजनीतिक प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामाजिक प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं, एक बात। दूसरी बात, जो रोस्टर प्रणाली की भी बात कही, निश्चित तौर पर उस बात से भी मैं सहमत हूं। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं कि वो जो लेटरल एंट्री की बात है, उस लेटरल एंट्री को भी आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? चौथी बात मैं आपसे कह दूं, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश के दलित जो बंद है, चाहे वो भीम आर्मी का चंद्रशेखर बंद है सहारनपुर में, और या मध्य प्रदेश में जो लड़के बंद हैं,
और जिन लड़कों के मुकदमे हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, कांग्रेस उनको कानूनी मुहैया सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन हम उनके मुकदमे वापस नहीं ले सकते हैं डॉक्टर कौशल, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर सत्ता मध्य प्रदेश की या कहीं कर भी कांग्रेस के हाथ में आई तो उन सारे बच्चों के मुकदमे वापस होंगे, क्योंकि वो संविधान की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। संविधान का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं ने उन पर गोली चला करके और माहौल को बिगाड़ करके किया है। यहां पर लेटरल एंट्री को भी लेकर के एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है और हमें आप जैसे लोगों का सहयोग चाहिए लेटरल एंट्री में भी, क्योंकि लेटरल एंट्री में ये लोग क्या कर रहे हैं, अडानी और अंबानी के बाबुओं को पांच पांच साल के लिए हिंदुस्तान की सरकार में ला करके उनके हिसाब से नीतियां बनवा करके और उसको फिर वहीं वापस भेज देंगे और पूरा देश आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कॉरपोरेट सेक्टर के और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गुलामी की ओर चला जाएगा। आऊंगा सुरेंद्र जी आपके पास, रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। रिजवी साहब, इस साल के अंत में राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पर चुनाव होने हैं, रिजर्वेशन का मुद्दा जोर शोर से उठेगा, सरकार अपनी कामयाबी के तौर पर इसको दिखाएगी या नाकामयाबी की तरह इस पर फेस सेविंग करने की कोशिश करेगी इस चुनाव की कैंपेनिंग में? देखिए, सरकार का तो कभी कामयाबी के तौर पे अब दिखा नहीं सकती है, क्योंकि सरकार जब आई थी उसी टाइम इन लोगों ने बहुत ही क्लियर कट शब्दों में ऐसा कहा और इसका कई जगह इनको खामियाजा भुगतना भी पड़ा कि ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, ये दलित और पिछड़े और माइनॉरिटी इन सब कास्ट की इनको कोई परवाह नहीं। हकीकत तो ये है कि किसी कास्ट की परवाह नहीं है, चाहे वो स्वर्णिम जाति की हो। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब वक्त बीत रहा और इलेक्शन आने लगा है और विपक्ष ने, चाहे वो सामाजिक विपक्ष हो, दलित रीअसर्शन का मामला हो, हर जगह, या जाके गुजरात का इलेक्शन का पस मंजर अगर आप देखिए, इसके तहत एक्चुअली हुआ क्या है कि ये नर्वस हो गए हैं। इन्होंने क्या किया था, आपको मंडल कमंडल का दौर अगर आपको याद हो कि पहले कमंडल चला था, कमंडल चलते हुए में जब वीपी सिंह ले आए मंडल का मामला तो कमंडल के लोग घबरा गए, अरे भाई हम तो बड़ा एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको ला रहे थे आप, और अब इन्होंने क्या किया कि मंडल डाल दिया है। सेम स्थिति अभी आ गई है, अब इन्होंने ये जब देखा कि हम जो एक पोलराइज कर रहे थे धर्म के नाम पे, तो ये कहां से नए तौर पे दलित रीअसर्शन हो गया है। एक्चुअली अगर आप बात कीजिए तो सामाजिक और राजनीतिक परिवेश से जरूर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं कि ये देश की सोशल फैब्रिक को फर्दर फ्रेगमेंट कर देगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे आइडेंटिटी के लिए, वो तबके के लिए कि जो आज तक दबा हुआ रहा था और उसको अपीज आप किया करते थे, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों या ओबीसी के लोग हों या एससी एसटी के लोग हों, आज उनका नए तौर पे जागरूक होना, और एक जो चीज उभरी है नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, एक कॉन्सेप्ट आता है कि जहां कोई राजनीतिक पार्टी से हम नहीं है, चाहे वो भीम सेना हो या पटेल का रीअसर्शन हो, हम इसको बहुत सिल्वर लाइनिंग देखते हैं, चूंकि यही एंटी डॉट का काम करेगा है रिलीजियस पोलराइजेशन के अगेंस्ट में। आप यकीन मानिए कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इनको इसके भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर कौशल, भुगतना पड़ेगा। सरकार इसे हैंडल करने में कितनी कामयाब या क्या लगता है आपको इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, सरकार को इसके ऊपर अगर वाकई मतलब सामाजिक न्याय की बात करनी है तो उसको शिद्दत से महसूस करवाने की और व्यवहार में लेकर आने की जरूरत है। दिक्कत सरकार की यह है कि जब उनके हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या जो जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री हैं, वो जब बयान देते हैं वो इतना घातक, मतलब इतना सुलझा हुआ होता है कि ये लगता है कि समाज के न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अपने मंत्री कभी वो दलितों को कुत्ता कहकर संबोधित करते हैं, कभी कुछ कहकर संबोधित करते हैं। मतलब आप ये देखिए कि इस तरीके की जो मानसिकता जो काम करती है सरकार के बीच में ही, सरकार एक तरफ मतलब डबल चरित्र सरकार का मुझे लगता है दिखाई देता है। और दलित समाज ये चीज बहुत अच्छी तरह समझ चुका है, उनको ये बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। एक तरफ आप एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लेकर आते हैं, उसमें बदलाव के लेकर आते हैं, उसके बाद अब संशोधन करके अब आपने पास करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दलित समाज जो है वो इस चीज को भी तो देख रहा है। 2 तारीख का अप्रैल का जो आंदोलन हुआ वो इसी चीज को लेकर था। जब इसमें ऐसा कुछ आपको लगता ही नहीं था तो इसमें संशोधन की जरूरत क्या पड़ेगी। दूसरी बात, ये जो अभी रोस्टर की जो मैं बात कर रही थी उस पे भी समाज देख रहा है उनको बहुत। अभी पिछले दिनों ही यूजीसी का आया जो एंट्री लेवल पे जो था
5% जो रिलैक्सेशन मिलता था स्टूडेंट्स को उसने आपने बंद कर दिया, एमफिल पीएचडी का रिजर्वेशन आपने बंद कर दिया। ये सारी चीजें जो सरकार कर रही है ना, एक तरफ आप सरकार भले ही ये करती रहे कि हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन व्यवहार में जो हो रहा है व्यवहारिक तौर पे तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आपने पोस्टें बंद कर दी, आप देखिए जैसे ही मार्च का लेटर आता है धड़ाधड़ पोस्टें हुई भरी जा रही हैं। आप क्यों नहीं आप इवेल्युएशन कराते पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहां रिजर्वेशन का है कहां जी? वहां सुरेंद्र जी है ही नहीं। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है सीधे सीधे कि नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण क्या, इस पर कांग्रेस का रिएक्शन? देखिए फिर से वही बात है कि आज नितिन गडकरी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से भारत में जो नरेंद्र मोदी जी का विकास का मॉडल है, गुजरात का मॉडल है, जहां रोजगार विहीन विकास की परिकल्पना की है, वो नितिन गडकरी ने बहुत क्लियर कर दिया। और बहुत हम नितिन गडकरी को लेकर के हम उनके बयान का इसका स्वागत भी करते हैं कि कम से कम किसी मंत्री ने तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर कहा और जो सच था वो कहा। आज की डेट में हमारी आवश्यकता क्या है, इस चीज को देखने की जरूरत है। क्या हम लोग विकास जो है रोजगार विहीन करना चाहते हैं? एक दिन वरुण गांधी ने भी, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी। तो नितिन गडकरी जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के भी अंतर्द्वंद्व को दिखा रहा है और देश की वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या और जो बढ़ती हुई समस्या है, जो अराजक होती हुई समस्या है, उसको भी दिखा रहा है। मराठा आंदोलन के संदर्भ में भी उन्होंने कहा, उन्होंने बाकी संदर्भों भी नहीं कहा, सारे संदर्भों को लेकर के अगर गडकरी जी का बयान देखा जाए तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर एक बहुत बड़े तमाशे के रूप में है देखा जाना चाहिए। चलिए आऊंगा आपके पास। महेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है महेश जी। आप थोड़ा लेट आए, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको कि मुद्दा चल रहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति धर्म विशेष की इसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो कि नितिन गडकरी ने कहा। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को कि कैसे इस मुद्दे को हैंडल किया जाए। नमस्कार, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक का इतना ज्यादा जी मुझे जाम मिला जिसकी वजह से थोड़ा लेट में पहुंचा हूं जी। जो और हमारे साथियों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मैं जो बात मैं अपना रखना चाहूं वो मैं रखूं, ज्यादा अच्छा जी, रहेगा जी, जी, जी। देखिए मराठा जाट या गुजर या पटेल आंदोलन जितने भी हुआ ये सब प्रायोजित आंदोलन थे जो कांग्रेस ने कराए, और इन आंदोलन को करके देश को जो नुकसान हुआ वो सभी जानते हैं कि जान माल के नुकसान अलग हुए, आर्थिक नुकसान अलग हुए। अब इसमें स्पष्ट तौर पे अभी तक जो है 14-15 बार जो है सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर कर चुका है, हमारे देश के जो और उच्च न्यायालय हैं वहां से भी बहुत इसके ऊपर सार गर्भित फैसले आए हैं। उसके ऊपर कुछ सोचने समझने के बजाय हमेशा ये होता है कि बस जब कुछ ना करो, सरकार को लेट डाउन ना करो। आज तक आप मुझे बता दें कि भाजपा कभी इस तरह के आंदोलन को खड़ा किया हो, किसी तरह से भाजपा ने ऐसे आंदोलन के पीछे खड़े होकर कुछ कहा हो कि भई हम आरक्षण को जो है, हम जब भारतीय संविधान बना बाबा साहब ने उस समय बहुत हमारे नेता थे जिनके आपस में बहुत सारे मतभेद थे, मनमुटाव थे, लेकिन उनके हम ऋणी होने चाहिए कि उन्होंने संविधान में एक ऐसी व्यवस्था दे दी जिसमें आरक्षण उन लोगों को दिया गया था जो वंचित थे, शोषित थे, दलित थे, उनको वाकई मिलना चाहिए था। और ये जो मराठा आंदोलन है, आप ये देखिए 80% टाइम महाराष्ट्र में जो है मराठा रूलर रहा है, मराठा मुख्यमंत्री रहा है, इनके जितने भी ताल्लुक हैं इनके 80% जो रेवेन्यू आज कंट्रोल किया जा रहा है वो मराठा लोगों के द्वारा। ये अपने ये विरोधाभास क्यों है, यही कांग्रेस समझना चाह रही है। यहाँ पर दलित चिंतक भी हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, वो यही समझना चाह रहे हैं कि नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस वो कुछ कह रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, उधर वो कह रहे हैं कि कोई जाति धर्म विशेष के लिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सर मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जो भी बातें कही है वो आरक्षण के संदर्भ में जो जिस ये क्या है
ये चीजों को ना तील को ताड़ बना के चीजों को रखना जानते हैं। इनके पास आज की डेट में बोलने के लिए और कुछ नहीं है। हमारे पास आज के डेट में चार साल में आप जिस संबंध में, जिस एरिया में, जिस वर्ग के भले की बात करिएगा, हम आपसे दस गुने आगे आपको बता देंगे। हम आपको आईना दिखा देंगे कि आपने 10 साल में क्या दिया, 10 साल किस तरह से देश को लूटा, और हमने आज 4 साल में उस लूट के बावजूद भी हमने देश को कैसे संभाला। सुरेंद्र जी, तमाम बातों का जवाब आप देंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी आरक्षण को लेकर एजिटेशन हुए हैं वो कांग्रेस प्रायोजित थे, आप लोगों ने खड़े किए, देश में जान माल का नुकसान आपने करवाया, देश को हिंसा में आपने झोंका। एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी का आपके ऊपर, आपका जवाब। मैं तीनों चारों चीजों का जवाब दूंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि महेश वर्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं। अगर महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तो या तो महेश वर्मा जी को आज पार्टी छोड़नी होगी या नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस को पार्टी छोड़नी होगी। इन्होंने मराठा आंदोलन को और मराठा अस्मिता को सीधे सीधे चुनौती दी और उस आरक्षण को सीधे सीधे गलत बताया है। नहीं साहब, आप सुनिए, आप गलत कह रहे हैं। इनकी सरकार है, आप गलत कह रहे हैं। एक एफिडेविट आप अपने लोगों से पूछिए, लेकर के आप अपने लोगों से पूछिए। अरे 2 मिनट चुप रहिए भाई। अरे भाई शर्मा चुप रही है, आप गलत बोलिए, मैं चुप रहूंगा। मेरा नाम लेकर अगर गलत बोलिए मैं क्यों चुप रहूंगा? आप मेरे नाम भूपेश, क्या ये आपकी बहस का स्तर है? नहीं नहीं, स्तर नहीं है साहब, आप मेरा नाम मत लीजिए, आपको जो बोलना है आप बोलिए। आप तय करिएगा, आप तय करिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत। महेश जी, आप बिल्कुल 100% गलत इनकी बात, हमारे दर्शक तय करेंगे। महेश जी, एक बार सुरेंद्र जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद जो आरोप वो लगाएंगे उसका जवाब आप दीजिए, एक एक करके। देवेंद्र फडणवीस ठीक है, नरेंद्र मोदी ठीक है या महेश वर्मा ठीक है? महेश वर्मा को यह बताना पड़ेगा कि वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। ये अभी आपने आते हुए ही कहा कि मराठा आंदोलन के पक्ष में आप नहीं है, जाट आरक्षण के पक्ष में आप नहीं है, गुजर आरक्षण के पक्ष में आप नहीं है। मैंने कहा ये प्रायोजित है, मैंने ये कहा ये प्रायोजित है, मैंने आपको ये कहा ये प्रायोजित है कांग्रेस का। इसमें वही लोग शामिल है जो कांग्रेस के लोग हैं। अगर मराठाओं का आंदोलन होता है, अगर और कोई आंदोलन होता है तो कांग्रेस को गर्व है उनके साथ खड़े होने में। फिलहाल वो आंदोलन अराजनैतिक है। कैसे अराजनैतिक? आप उस आंदोलन की बेइज्जती मत कीजिए। आप मराठों के अस्मिता को, अरे हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं साहब, आप उन मराठाओं को चुनौती मत, जिन्होंने जिनका कंट्रीब्यूशन आप भूल जाते हैं इस तरीके से हमेशा। छत्रपति साहू जी महाराज को आप छत्रपति साहू आप क्या ये कहकर सुनिए इज्जत किया है? छत्रपति साहू जी महाराज को आप क्या कहेंगे? उन्होंने दलित आरक्षण दिया। अगर मराठों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दें। अरे वाह भाई वाह, नितिन गडकरी इस्तीफा दें। आपके पास आज के डेट में ऐसा क्या है जो आप इसके अलावा कह सकते हैं? महेश वर्मा को पार्टी से निकाला जाए। ओहो, ले ये सुन लीजिए, इतने बड़े मियां मिट्ठू बन गए आप जैसे लोग, राष्ट्रवादी आप लोग राष्ट्रद्रोह का काम करें। पंढरपुर से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक आपने मराठों को बेइज्जत किया है। अरे साहब, आप सुप्रीम कोर्ट का सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में आप किस चीज के लिए, जिनको जाना है ये कांग्रेस नहीं है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ और तब भी कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो कुछ भी आपने, आप अभी सुन लिए ना, आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, अरे श्रीमान जवाब सुन लीजिए। अरे सुरेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। महेश जी, कौन, आप सुन लीजिए मेरे जवाब को। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी, आप इतना ही बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, क्या किया आप पटेल आंदोलन में? पटेल आंदोलन ये समय करके पूछने का नहीं। पटेल सुनिए, आपने हार्दिक पटेल के साथ हाथ मिलाया कि नहीं? वो भी गैर राजनीतिक थी। मैंने कहा ना, सुनिए, अरे आप लोग ऐसी चीजों के लिए खड़े होते हैं जो आप कर नहीं सकते। संविधान के हिसाब से आंदोलन खड़ा किया है, संविधान आपको याद रखता है। आप संविधान विरोधी है, आप संविधान विरोधी है, मराठों के आंदोलन संविधान विरोधी है, कांग्रेस संविधान विरोधी है, हत्या की है, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। संविधान विरोधी है या नहीं आप लोग पहले ये बता दीजिए। अरे संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, आप देश विरोधी है, आप देश को तोड़ना चाहते हैं, संविधान आप देश को तोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप जैसे अंग्रेज के दलालों का खंडित करना चाहते हैं संविधान बनाना। आप तो मनु संहिता को मानने वाले हैं। चलिए चलिए, आता हूँ सुरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, महेश जी आपके पास भी आऊंगा।
महेश जी, एक एक सवाल ये भी है कि नितिन गडकरी कहना है कि नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण क्या, इस पर क्या सफाई? और सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास नौकरियों के करीब 24 लाख पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस का कहना है कि आप क्या कर रहे हैं, चार साल में क्यों नहीं भरे वो पद? उसी पे हम आते हैं, उसी पे आते हैं। माननीय मंत्री जी का जो एक बयान था जिसको ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि भाई केंद्र में नौकरियां जो हैं आज की डेट में उसको भरना मुश्किल है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है नौकरियों की अभाव है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में उसके अगली चीजों को भी उनको कोट करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में उन्होंने ये कहा है कि हमें जो है उस तरफ ध्यान देना चाहिए जिसमें स्वरोजगार हो, हमारा जो है स्किल डेवलपमेंट का काम हो, हम और चीजों को बढ़ावा दें जिससे कि हम दो पैसे कमाएं और अपना घर परिवार और अच्छे से चीजों को चला सके। राज्यसभा में 8 फरवरी को सवाल के जवाब में पता चला कि 10 लाख अध्यापकों के पद, जिनमें 9 लाख प्राथमिकी और 1 लाख से ज्यादा माध्यमिक विद्यालयों के पद खाली हैं। पुलिस बल में करीब 5.5 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं जिन्हें भरा जाना है। भारतीय रेलवे में 2.5 लाख से ज्यादा पदों की भर्तियां होनी है। ये भर्तियां कब? कांग्रेस समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी से जानना चाहती है, एनडीए सरकार से जानना चाहती है। ये आज की बैकलॉग नहीं है, ये पिछले 15 साल का बैकलॉग आप बता रहे हैं। ये पूछिए इन लोगों से, ये जो साहब बैठे हुए ना जो इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे 15 सालों का बैकलॉग है, इन्होंने 10 लाख में ये 4 साल में कितना बैकलॉग है और पिछले 10 साल में कितना बैकलॉग है आपको पता चल जाएगा। हमें क्या हर साल हमें कितना रोजगार, कितनी नौकरी देनी थी और इनको कितना देना था? इनके पाप को आज हम ढो रहे हैं, इनके पाप को आज हम ढो रहे हैं, ये देश ढो रहा है, इनको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो नरेंद्र मोदी का और प्रधानमंत्री का विरोधी है, आप किस तरह से आपसे कहा ना, नरेंद्र मोदी जी के और प्रधानमंत्री के विरोधी हैं ये, जो मराठों के आंदोलन को कह रहे हैं कांग्रेस का आंदोलन है। अरे साहब, आप प्रायोजित, मैंने कहा कि ये जितने आंदोलन आपने कराए ये कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन है। आप आंदोलन में लोगों को डालते हैं जानमाल के। आपको एक चीज बताइए अजय, ये कांग्रेस के एक छोटा सा क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछना है, एक क्वेश्चन पूछना है। संविधान क्या आपको इस बात की नहीं है? जब संविधान है आपके पास, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? गर्व है इस बात का, आप क्यों नहीं जाते हैं? कहा ना कि हमें गर्व है इस बात का कि आप इस संविधान विरोधी हैं। आप गर्व है कि आप संविधान विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं, आप देश को तोड़ना चाहते हैं, मराठों की आप देश को तोड़ना चाहते हैं साहब। धन्य आप। फिर डॉक्टर कौशल, आपका 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 आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तकरीर आपने सुनी। मैं ये कहना चाहती हूँ, राजनीतिक दलों का रिजर्वेशन फुलफिल हो ये मानसिकता कम रहती है। उनका उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति तक सीमित होता है, चाहे कोई भी सरकार हो। नंबर टू, ये जो आज जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी पोस्टें खाली हैं उनको भरा जाना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि हमारे पास नौकरियों को भरने के लिए कोई स्पेस नहीं है, तो मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना बयान है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए अगर माननीय गडकरी जी ने ये कहा कि नीतियों की वजह से हमें आर्थिक आधार पर सोचने की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स की जरूरत है, आप क्या फिर इसका समर्थन करेंगे कि जितनी भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, मीडिया है, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर है, उसमें आप रिजर्वेशन देंगे, प्रतिनिधित्व देंगे SC ST OBC को? इसके ऊपर खामोश है। मैं बस कहना ये चाहती हूँ कि कोई भी पार्टी आए, बैकलॉग भरा नहीं गया, आपने 200 पॉइंट को बदल के 13 पॉइंट रोस्टर के आधार पर लाकर खड़ा कर दिया और अभी तक आप इसके ऊपर खामोश हैं। कहीं भी मानसिकता, कहीं भी ये नजर नहीं आती कि रिजर्वेशन के पदों को भरा जाना चाहिए। लेकिन जवाब, क्योंकि सरकार को जो अभी जो सत्ताधारी सरकार है उसको जनता ने चुना है, दलित बहुजन ने भी उतना ही उनको वोट दिया है, तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। कहीं ना कहीं जो फॉल्ट उनको नजर आ रहा था, पब्लिक डिसाइड करती है ना, जनता को नजर आ रहा था, तभी उन्होंने कांग्रेस को बदल के बीजेपी को लेके आए। अगर बीजेपी अब सत्ता में है तो जिम्मेदारी तो बीजेपी की भी है कि वो इन पदों को भरे, रिजर्वेशन को, कोटे को पूरा करे। संवैधानिक न्याय की बात है, जब हमारे राजनीतिक दल हैं वो बार बार सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो ये तो सामाजिक न्याय सबसे पहले है, तभी आप जातिगत आधार पर जो एक तरह से आरक्षण का प्रावधान है, प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, तभी पूरा हो पाएगा। महेश जी, आने वाले चुनावों में, चाहे वो 2019 की बात करें या उससे पहले जो चुनाव हैं,
वहां पर ये मुद्दा कितने जोर शोर से उठेगा और आप क्या मानते हैं कि केंद्र सरकार इसको हैंडल करने में कितनी कामयाब रही है? देखिए साहब, ये जो बहन जी ने जो एक मुद्दा उठाया है, इन्होंने आरक्षण से परे उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करी है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रॉपर वे में होना चाहिए और इसका स्तर जो होता है ये पूरी तरह से एक प्रशासनिक मामला है। सरकार के ऊपर ये जिम्मेवारी जरूर है कि उसको पूरी तरह से उसको लागू करे। आरक्षण सम्मत जो चीजें मिलनी चाहिए हमारे जो दलित भाई हैं, वंचित शोषित जो ये वर्ग है, इसके तक ये लाभ पहुंचना चाहिए, ये सबकी जिम्मेवारी है। तो उसमें जो है ये चीजें जिला स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक जो चीजें ये आती है इसको एक बार देखना। और इसमें आए दिन आपको एक जानकारी, अभी आपको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पास किया कि भाई आप इसको जो है टाइम फ्रेम में इसको सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे। तो मजबूरी में क्या होता है कि कई बार हम चीजों को, हमारी नीयत कहीं खराब नहीं है जी। आपको एक चीज में, हमारी नीयत एकदम साफ है कि हमें इस वर्ग के साथ जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, इनको किसी ना किसी तरह से इनका जीवन स्तर ऊपर लेकर आना है। और इसके ऊपर कांग्रेस या कम्युनिस्ट या कुछ और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये लोग ये तरह तरह की प्रपंच और प्रोपगंडा करते रहते हैं इन सब चीजों को लेकर, और ये दिग्भ्रमित करने की राजनीति जो है ये जो चलाई जा रही है। आप बताइए साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उसके ऊपर सरकार ने अब ये कर दिया, इनको एक शब्द भी सूझा कि सरकार ने बहुत स्वागत जो कदम उठाया है कि वो जो SC ST के ऊपर FIR के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको लेकर हमने जितनी ऐसी कोई चीज इनके टाइम में ऐसा हुआ हो तो एक एग्जांपल दे दें कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया और हमने ऐसा सोचा। महेश जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि आपको वक्त कम मिला था, आपसे बहुत संक्षेप में ये जानना चाहूंगा, लास्ट कमेंट होगा आपका इस एडिटर चॉइस का आज के। यहां पर अगर दलित समुदाय की बात करें या रिजर्वेशन की बात करें जी, तो इस साल के अंत तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं सर। इन चुनावों में ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा, सरकार इस मुद्दे को उठाएगी, लोग इस मुद्दे को देखेंगे, आप कितने नंबर देते हैं अपनी सरकार को इस मुद्दे को हैंडल करने के लिए? सर, मैं वही आपसे फिर एक बार ये कह रहा हूं, हम जो सरकार चलाते हैं वो हमारी जो एक सियासत करने का नजरिया होता है उसमें एक राष्ट्रहित, देशहित, समाजहित, जनहित सब चीजें शामिल होती है। हम सिर्फ इसी नजर से कोई इशू को हैंडल अगर करें कि आज जो टेम्पररी हमें फायदा मिलना चाहिए, हम सत्ता में आ जाएं और फिर उस चीज को हम, आज मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट जब खड़ा होता है तो उसमें जान माल का नुकसान होता है या नहीं होता है? तो आज जो भी चीज हो रही है, या गुजर आंदोलन के लिए हो या जाट आंदोलन के लिए हो, जाट आंदोलन हुआ क्या हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसके लिए अनशन कर रहे हैं। अरे बजाय कि आप अनशन करिए, उन लोगों को आप समझाइए कि संविधान और कोर्ट और न्यायालय में आप जाएं और आपका अगर हक होगा तो आपको मिलेगा। उसमें क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि आपको कोई इस तरह के आरक्षण नहीं दिए जा सकते हैं। आप पटेल आंदोलन को देखिए, इन लोगों ने उसको सिरे चढ़ाया, ये कह रहा है मुझे कि भाई आपको तो आपने गलत बोल दिया। अरे गलत क्या, सच्चाई यही है कि आज के डेट में साहब जो आप अच्छा काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है उसको डीरेल करने के लिए, पब्लिक की जितनी भी हम अच्छे काम कर रहे हैं उसको डीरेल करने के लिए, दलित मुद्दे पर घिरी केंद्र सरकार के लिए एक अहम मुद्दा है। 250 लोकसभा सीट में SC ST वोटर्स का सीधा असर देखने को मिलता है और यही चिंता पक्ष और विपक्ष की है। वोटर्स के लिहाज से देश में करीब 30% से ज्यादा SC ST मतदाता है और इस साल के अंत तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और वहां पर भी यह मुद्दा जोर शोर से उठेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि उसने इस मुद्दे को बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है, स्थिति ज्यों की त्यों बनाई है, दोबारा से अमेंडमेंट किए हैं और उस बिल को पास करवाया है। विपक्ष का कहना है हाथी के दांत और खाने के दिखाने के। और फिलहाल एडिटर चॉइस में हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए सुरेंद्र राजपूत आपका बहुत शुक्रिया, महेश जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कौशल और हसन रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एडिटर्स चॉइस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए सुनते।